फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन और एज वेल एज इन एनिमल फिनिश किया है। तो वहां पर डिटेल करने के बाद हमको प्लांट में ऐसा लगता है कि प्लांट के अंदर ना तो नर्वस टिश्यू है और ना ही मस्कुलर टिश्यू, तो क्या उनमें क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है? कौन सा ऐसा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहां पर नर्वस सिस्टम नहीं है, मस्कुलर सिस्टम नहीं है, बट वहां पर जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है ना, जनरली जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो रिलेटेड किससे है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, है ना। तो प्लांट के अंदर वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है वो उनके मूवमेंट से रिलेटेड होता है। जो प्लांट जो जैसा भी मूवमेंट करते हैं वो एक्चुअल में स्टिमुलस का रिस्पॉन्स ही है। तो दैट मूवमेंट और दैट रिस्पॉन्स इज रिलेटेड विद ग्रोथ, है ना। वो प्लांट जैसे जैसे ग्रो कर रहा है स्टिमुलस के साथ, एक तो वो पार्ट हो गया, और एक दूसरा सेक्शन ऐसा है जिसमें द ग्रोथ द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है लेकिन वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो बेसिकली हम प्लांट का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो उसके मूवमेंट से समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर, प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट्स हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं और कौन से स्टिमुलस के अगेंस्ट हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को टू सेक्शंस में पढ़ते हैं। पहला है प्लांट मूवमेंट और दूसरा है प्लांट हॉर्मोन्स। मतलब प्लांट के अंदर भी प्लांट हॉर्मोन प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका जो वर्क होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत लिमिटेड होता है ना। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन, ठीक है। फिर प्लांट मूवमेंट की दो कैटेगरीज हैं, ये मैंने लास्ट सेक्शन में भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। वन आर ट्रॉपिक मूवमेंट एंड अनदर इज नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं कि प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, सीड से लेकर डेवलप्ड प्लांट बन रहा है ना, और डिफरेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्शन भी कर रहा है, तो वो उसके रेगुलर मूवमेंट है, स्पेसिफिक मूवमेंट है जो हो रहे हैं और वही उसकी ग्रोथ है, ठीक है। दूसरे है नेस्टिक मूवमेंट, जो स्पेसिफिक होते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में ही प्लांट जो है ऐसा मूवमेंट शो करते हैं, इंस्टेंट है या इमरजेंसी कंडीशन में ही वो मूवमेंट होते हैं, वो ग्रोथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। सो नेस्टिक मूवमेंट्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ प्लांट, वेदर ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर रिलेटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? तो उसमें आप समझ सकते हो कि लाइट है, ठीक है, वॉटर है और लैंड यानी सॉइल है, फिर कोई केमिकल है। तो उसके बेसिस पे हमने फोर कैटेगरीज की मूवमेंट डिवाइड की है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो नेम से पता चल रहा है कि फोटो मींस लाइट से रिलेटेड होगा, स्टिमुलस इज लाइट एंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज जियोट्रॉपिज्म, सॉरी फोटोट्रॉपिज्म, एंड स्टिमुलस यहाँ पर लैंड है, लैंड से रिलेटेड है, फिर हाइड्रो मींस वॉटर स्टिमुलस है और यहाँ पर कोई केमिकल स्टिमुलस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारे मूवमेंट्स होते हैं जैसे पॉजिटिव जियो और हाइड्रो, ये सॉरी फोटो जियो और हाइड्रो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के हो सकते हैं। ऐसे डायग्राम आपकी बुक में लिए हुए हैं। जैसे अगर आप फोटोट्रॉपिज्म की बात करो तो जो सन के लाइट के टूवर्ड्स ग्रो करता है प्लांट का पार्ट, जैसे स्टेम है ना, या अपर पार्ट जो उसका लैंड से ऊपर रहता है वो सन की डायरेक्शन में ग्रो करता है, तो वो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वो कौन शो करता है? स्टेम एंड अदर अबव पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे जैसे स्टेम की बात करेंगे, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वो सन की डायरेक्शन में यानी अबव लैंड ग्रो करता है, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। और सन की लाइट के अगेंस्ट कौन ग्रो करती है? रूट्स, ठीक है, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन ग्रो करता है? स्टेम, है ना, ग्रेविटी नीचे की साइड है, स्टेम ऊपर की साइड ग्रो कर रहा है, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और लैंड जो है जो रूट्स है वो टूवर्ड्स लैंड यानी टूवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। वॉटर की साइड अगर मूवमेंट होता है तो रूट्स का ज्यादा होता है ना। एक डायग्राम दिया हुआ है बुक में जिसमें पॉट को इस तरह से रखा हुआ है, ये पॉट है, ठीक है,
और आपने देखा होगा तो ये जो स्टेम वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो रूट्स वाला पोर्शन है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म, सॉरी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म ऑफ रूट्स, है ना। तो रूट से जो है वो पानी की तरफ जाएंगी या जिस साइड पानी होगा उस साइड जाएंगी। वैसे एक और डायग्राम दिया हुआ है बुक में कि अगर बहुत डार्क है रूम और एक विंडो अगर हमने खोल के रखी तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा उसका जो स्टेम होगा वो लाइट के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है फोटोट्रॉफिज्म का कि लाइट जो है, सॉरी जो प्लांट होते हैं वो फोटो यानी लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। फिर हो गया हाइड्रोट्रॉफिज्म और कीमोट्रॉफिज्म का एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ, मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, है ना। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी देखा था कि स्टिग्मेटा है और ये स्टिग्मा है, ये प्लांट का जो है वो गाइनोशियम है। गाइनोशियम मतलब प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर अगर कोई पॉलन गिरा है पॉलन ग्रेन तो उसका जो टेल वाला जो पोर्शन है वो एक ट्यूब फॉर्म में हो जाता है और यहाँ पर जो ओव्यूल पड़े होते हैं वो किसी केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट होकर वहां तक पहुंचता है। तो कीमोट्रॉफिज्म का एक ही एग्जाम्पल है कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। The movement of pollen tube towards ovule is known as chemotropism, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों एग्जाम्पल हो गए ट्रॉपिक मूवमेंट के। बोर्ड में आता है पर रेयर क्वेश्चन होते हैं तो एग्जाम्पल ही जनरली पूछते हैं। जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल पॉजिटिव, जियोट्रॉपिज्म नेगेटिव, ऐसा एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। जनरली अगर शॉर्ट नोट आएगा 2 मार्क्स का तो राइट नोट ऑन प्लांट मूवमेंट्स तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के 4 टाइप्स और उसके एग्जाम्पल है ना, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट होता है इमरजेंसी कंडीशन में जो प्लांट रिस्पॉन्स करता है और इसका एक ही एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो मायोमोसा है। तो मायामोसा के नेम से इसको कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ मायामोसा रिलेटेड विद विच टाइप ऑफ मूवमेंट, तो दैट इज रिलेटेड विद टच, है ना। जैसे आपने छुई मुई इसको बोलते हैं तो छुई मुई का जो पौधा होता है उसको आप अगर प्लांट होता है उसको टच करते हो तो उसकी जो लीव्स होती है वो फोल्ड हो जाती है ना, फोल्ड हो जाती है और थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल भी हो जाती है। तो वो एक इमरजेंसी स्टिमुलस है जिसके अगेंस्ट प्लांट ने रिस्पॉन्स किया है, ये उसके ग्रोथ का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो चारों मूवमेंट्स हमने देखे हैं ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं, जबकि जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं इन इमरजेंसी कंडीशन इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। कोई स्पेसिफिक पार्ट में ही ये रिस्पॉन्सेस ऑब्जर्व होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको लर्न रखना है मायोमोसा और टच मी नॉट प्लांट भी जिसको कहते हैं। ऑन टचिंग द लीव्स ऑफ मायामोसा फोल्ड्स एंड आफ्टर सम टाइम इट अनफोल्ड अगेन। तो यहाँ पर ये हो गया नेस्टिक मूवमेंट और ये जो मायामोसा का जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं थिग्मो नेस्टिक। थिग्मो का मतलब है टच, तो टच रिलेटेड जो मूवमेंट है वो इसका एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में यही एक थिग्मोनेस्टिक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाम भी याद रखना है थिग्मोनेस्टिक रिलेटेड विद टच, द मूवमेंट रिलेटेड विद टच, है ना। तो टच इज द स्टिमुलस एंड द मूवमेंट थिग्मोनेस्टिक इज द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट मूवमेंट और पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट ड्यू टू आउटर स्टिमुलस आइदर द पार्ट ऑफ ग्रोथ और दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मीन्स वो मूवमेंट जो है वो प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड है और दूसरे है इमरजेंसी कंडीशन के ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन और विच आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। तो बुक में बहुत ज्यादा डिटेल इसका नहीं है, एग्जाम्पल्स लर्न रखना है। 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके, ऑक्सिन,
गिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। ठीक है, बुक में अगर इसके फंक्शन नहीं दिए हुए हैं तो मैं इसके फंक्शन अभी लिख देती हूँ। सबसे पहले वो फंक्शन याद होने चाहिए, फाइटो हार्मोन पे, प्लांट हार्मोन पे नोट आ जाए तो आपको वो नोट प्रिपेयर करना है। दूसरा है एक एक लाइन में कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इसको हम डिटेल में बताएंगे। तीन तो प्लांट हार्मोन है, यानी ये जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, गिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, ये है ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स, ओके। लेकिन यहां पर एक जो लास्ट मैंने लिखा है एब्सेसिक एसिड, ठीक है, ये जो है ग्रोथ इनहिबिटर। तो क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, लेकिन कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में ये ग्रोथ इनहिबिटर बहुत पूछते हैं कि विच इज द ग्रोथ इनहिबिटर इन प्लांट्स, तो उसका नेम है एब्सेसिक एसिड। ये ग्रोथ इनहिबिटर मतलब प्लांट की एजिंग को स्टॉप करता है ना, प्लांट की जो लीव्स होती है उनको शेड ऑफ होने से बचाता है। मींस ग्रोथ को, जो ग्रोथ होने के बाद जो प्लांट धीरे धीरे जो डिग्रेड भी होगा ना, वो जो कंडीशन है उसको ये खत्म करता है, तो ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, तो यहाँ पर वन बाय वन हम इन सब की डिटेल्स लिख लेते हैं। ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस एंड एब्सेसिक एसिड विच इज ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन्स तीन हो गए। डायरेक्टली अगर नेम पूछते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मार्क्स में राइट द नेम्स ऑफ प्लांट हार्मोन। एंड अगर टू मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि राइट नोट ऑन प्लांट हार्मोन, तो हमको अलग अलग हार्मोन्स की डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है ऑक्सिन्स, ओके। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले ये टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, शूट की टिप है, रूट की टिप है, तो प्लांट को लेंथ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इंडिविजुअल हम ऑक्सिन का फंक्शन इसलिए लिख रहे हैं, अगर 1 मार्क्स में किसी भी ऑक्सिन का फंक्शन आ जाए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो टिप्स पे ग्रो करेगा, यानी प्लांट को लेंथ में डेवलप होने में हेल्प करेगा। दूसरा है साइटोकाइनिन, जो सेल डिविजन में हेल्प करता है, सेल डिविजन को इंक्रीज करता है। और अगर आपने देखा हो तो जैसे कोई नॉर्मल फूड से उसकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हो जाती है। नेचुरली होती तो अलग बात है, लेकिन आपने सुना होगा कई बार कि वेजिटेबल्स और इनमें भी इंजेक्टेबल यूज करते हैं, इंजेक्शन से ये हार्मोन पास करते हैं जिनसे उनकी साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और अमाउंट जो है एडिबल प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं इसका मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं ऑक्सिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन्स के बारे में लिख रहे हैं तो इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब होता है कि ऑब्वियसली ये अगर टिप्स पे प्रेजेंट है तो वहां पर उस जगह की लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सेल इलोंगेशन, ठीक है, इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एंड डिविजन, ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड सीडलेट्स फ्रूट, ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी सीड नहीं है। पपैया के केस में ऐसा बहुत ज्यादा है कि उसके जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे उसको कट करके तो उसमें कभी भी एक भी सीड नहीं निकलेगा। वहां पर भी हार्मोन यूज किए हुए हो सकते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि आप बिना रूट के वो सिर्फ एक स्टेम का ले आओ पोर्शन, फिर उसको ये ऑक्सिन मिलता है मार्केट में कोई भी ब्रांड नेम से, उसमें अगर उसको डिप करके लगा देते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो रूट्स डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये
कोई एग्जांपल से पूछ सकते हैं कि अगर फार्मर यूज कर रहा है और उसमें ऐसा हुआ तो कौन सा हार्मोन उसने यूज किया, तो उसमें ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन का जो है वो मेन फंक्शन है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर। ठीक है, तो मैंने साइटोकाइनिन की जगह मैंने ऑक्सिन के लिए बताया था कि सेल डिवीजन में ऑक्सिन ही हेल्प करता है, जो गिबरेलिन है वो स्टेम और फ्लावर के डेवलपमेंट में ज्यादा उसका इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, सॉरी, ये गिबरेलिन है, साइटोकाइनिन लिख दिया यहाँ पर, दिस इज गिबरेलिन। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल है ना, काइनिन से रिलेटेड, तो ये है दिस प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले एजिंग ऑफ लीव्स, दिस प्रमोट, एक्चुअली ये बुक में नहीं है, ये प्रमोट सेल डिवीजन एंड स्टॉप एजिंग ऑफ लीव्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एज मतलब लीव को शेड ऑफ होने से बचाता है, एजिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया साइटोकाइनिन। ऑल्सो ये इसका रिड्यूसेस, ठीक है, लीव से रिलेटेड ये इसका मेन जो है और प्रमोट है, इसमें प्रमोट लीव एक्सपांशन। ठीक है, लीव को अगर किसी वे में अगर एक्सपांड करना हो तो ये साइटोकाइनिन्स जो है वो यूज होते हैं। मींस हम ये कह सकते हैं कि लीव वाला सेक्शन अगर किसी भी वे में प्लांट के अदर पार्ट से ज्यादा डेवलप करना है तो साइटोकाइनिन यूज होता है। सो इन दिस वे दीज थ्री फाइटो हार्मोन्स आर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये अगर नेचुरली प्रेजेंट है प्लांट में तो ये अच्छा है कि अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो जो प्लांट के टिप होंगे वहां पर ये जो होगा ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कुछ कभी कभी कुछ प्लांट एबनॉर्मली ग्रो नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम होती है या न्यूट्रिशन में उनके डेफिशिएंसी होती है तो बाहर से ये हार्मोन दे सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी किसी भी चीज का जो फ्रूट है या वेजिटेबल है उसके साइज इंक्रीज करके, उसके सेल डिवीजन को इंक्रीज करके इन हार्मोन्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तीनों के होगा फंक्शन ऑक्सिन, इट प्रमोट सेल इलॉन्गेशन एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट्स। पर्टिकुलर फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के लिए। गिबरेलिन का स्टेम एंड फ्लावर से रिलेटेड है एंड साइटोकाइनिन बेसिकली लीव से रिलेटेड है। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन है क्योंकि साइटो वर्ड जो है वो सेल के लिए यूज होता है एंड स्टॉप एजिंग इन लीव्स प्रमोट लीव एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये तो हो गए तीनों हॉर्मोन्स अभी हमने जिनकी बात की। नेक्स्ट है एब्सेसिक एसिड विच इज ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स पे कई बार पूछ लेते हैं और ये वन वन लाइन के इम्पोर्टेंट है। वन लाइन में अगर पूछ लिया फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट्स तो इम्पोर्टेंट है ये। अब जब एब्सेसिक एसिड की बात कर रहे हैं तो एब्सेसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, मैंने आपको बताया था, इट रिवर्स। ठीक है, तो अगर एब्सेसिक एसिड के बारे में लिखना है एब्सेसिक एसिड तो सबसे पहला वर्ड तो ये हो जाएगा कि इट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। फिर एक दूसरा है इसका, इट रिवर्स द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ, इट रिवर्स द ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट ऑफ फाइटोहार्मोन्स।
ठीक है, फाइटो हार्मोन मतलब जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उनके, ठीक है, ऑफ ग्रोथ प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कौन है, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन्स, उनके एक्शन को रिवर्स कर देता है, ठीक है, ये समझ रहे हो ना आप, मतलब प्लांट में वो प्रेजेंट है लेकिन अगर एब्सेसिक एसिड यूज कर दिया तो उनके जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, लॉस ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल, ठीक है, तो यहां पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कैसे प्लांट की ग्रोथ कम हो सकती है, उसके स्टोमेटा क्लोज हो गए, है ना, तो इसमें ये वर्ड दिया हुआ है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड लॉस ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल, ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसके ये आ सकता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो गैसेज एक्सचेंज बंद हो जाएगा एंड दूसरा जो है अभी हमने क्लोजिंग एंड लॉस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड प्लांट प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सेक्शन, इतना हमारा सिलेबस में है, तीनों हार्मोन्स की एटलीस्ट फंक्शन है होने चाहिए, टू मार्क्स से ज्यादा इसका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो वन वन लाइन के विल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू इस टाइप का पार्ट होगा, या फिर कुछ इसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव अगर होगा तो टू मार्क्स का ही एक क्वेश्चन हो सकता है, है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, यहाँ पर हमारा जो है वो फिनिश हो गया, नेक्स्ट जो सेक्शन है नेक्स्ट सेशन में हम रिवीजन पार्ट करेंगे और बैक एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए वो एक बार डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।